आज के वीडियो में क्या कवर करने वाले, लेट्स कवर दिस क्वेश्चन। ये है हमारा बाइनरी टू डबल लिंक्ड लिस्ट। बाइनरी टू डबल लिंक्ड लिस्ट सिंगल लिंक्ड लिस्ट पे कन्वर्ट कैसे करना है वो तो जान लिया था हम लोगों ने पिछले वाले वीडियोस किसी एक वीडियो में। नहीं चेकआउट किया तो चेकआउट कर ले लो, प्ले सेशन में मिल जाएगा आपको। बाइनरी वाला चेकआउट करना, कहीं और वाला चेकआउट करना, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट वाला मैंने बताया। अब लिंक्ड लिस्ट क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है। लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, हमारा एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है और एक डेटा पॉइंटर, ठीक है। और डब्ली लिंक्ड लिस्ट में एक प्रीवियस भी आ जाता है, ये चीज है। हमको क्या फाइंड करना है, गिवन अ बाइनरी ट्री कन्वर्ट इनटू अ डब्ली लिंक्ड लिस्ट द लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स इन द नोड्स आर यू आर टू बी यूज्ड एज अ प्रीवियस एंड नेक्स्ट पॉइंटर। प्रीवियस वाला किससे वाले वो हमको बताएगा डेटा, और नेक्स्ट वाला हमारा एड्रेस लेके चलेगा, एड्रेस लेके चल रहा है। नेक्स्ट वाला हमारा जो नेक्स्ट वाला डेटा जो है ना एड्रेस, उसका एड्रेस लेके चलेगा। दिखाता हूँ कि आपको, ओके। ये इफेक्टिवली द ऑर्डर ऑफ नोट्स इन डीएलएल मस्ट बी द सेम एज इन ऑर्डर। अब जो आउटपुट चाहिए वो इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर क्या होता है नहीं बता, लेफ्ट रूट एंड सेट बताया है पिछले वाले वीडियो में, बताया जाकर रिकॉर्ड कर लो। रिकर्सन से बताया है, सैक से बताया है, मौलिक भाई का भी एल्गोरिथम चेकआउट किया है। अगर वो वाले वीडियो से देखा तो जैकर देख के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फिर यहाँ पे आ जाना वापस। ओके, ये बता दिया द फर्स्ट नोड ऑफ इन ऑर्डर, ओके, लेफ्ट मोस्ट नोड इन बी टी मस्ट बी द हेड ऑफ नोड ऑफ द, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट नोड हमारा हेड होगा, ठीक है। ये हमारा ये है, ओके। इट इज इम्प्लीमेंटेड इज करेंट, ओके, एंड पेज इज यूज्ड फॉर द रिकॉर्डिंग टाइम, ओके। लोग रिकर्जन के थ्रू इसको करने वाले हैं, तो मैं इसको अब देखो रिकर्जन के थ्रू कर रहे हैं। बहुत लोग यार बहुत ही महान अनुभव होंगे जो लोग रिकर्जन के थ्रू करते हैं। कोड आपको दिखाएंगे और बोलेंगे पेस हम लोगों का ओ ऑफ वन यूज होगा। भाई रिकर्जन यूज कर रहे हैं, ओ ऑफ वन नहीं होने वाला। यूज रिकर्जन कर रहे हैं तो वो स्पेस होगा हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री जब हम रिकर्जन का यूज कर रहे हैं। मॉरिस बाय का जब यूज कर रहे हैं तब स्पेस कॉम्पिटेटिव ओ ऑफ वन होता है। गलत कुछ लोग गलत बता देते हैं वीडियो पे, तो उसको छोड़ो, उन लोगों को छोड़ो। यहाँ पे ओ ऑफ हाइट यूज होने वाला है। और यहाँ पे एक और चीज, एक्सट्रीम केस के लिए अगर क्यू ट्री होगा तो ओ ऑफ एन यूज होगा हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्स की। समझ लीजिए इसको, थोड़ा समझ लेते हैं। और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अलग करूँ, पहले कोड कर देता हूँ फिर समझाता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। पर मैं थोड़ा सा आपकी थोड़ा सा कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत लिख लेते हैं फिर हम उसको कोड कर लेते हैं फटाक से, जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लेंदी हो जाता है, फिर एडिट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट लिखता हूँ BD to DL, DLL, DLL क्या होता है, DLL मतलब, DLL क्या होता है हमारा, एक हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ये दो चीजें पड़ी हुई है ना, तो मेरे पास एक ये इसका एक यहाँ से प्रीवियस होगा, ये एक प्रीवियस होगा मेरे पास डेटा होगा और मेरे पास एक नेक्स्ट होगा। तो इसका प्रीवियस इधर से होगा, इसका अगर इस वाले डेटा का प्रीवियस यहाँ पे ज्वाइंट होगा और इसका जो नेक्स्ट होगा ये अगले वाले में यहाँ पे कहीं ज्वाइंट होगा। और थोड़ा सा इन ऑर्डर बता दूं, इन ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट फिर नोड फिर राइट। और इसने एक और चीज बोल के रखा है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या बोला है, ओके, कहाँ पे बोला है, द फर्स्ट नोड ऑफ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लेफ्ट मोस्ट नोड मस्ट बी द हेड। तो यहाँ पे कुछ ऐसा, अगर मेरे पास दो तीन ब्लॉक बना दूं मैं यहाँ पे, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ, ये वाला बाई डिफॉल्ट हेड होगा ये बोलना चाहता है। तो यहाँ से एक कंडीशन यहाँ पे होगा, ऐसे ऐसे कुछ होगा यार, समझना, ऐसे ऐसे करके कोड कर लेते फटाक से, फिर हम आपको फिर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कोड दिखा के मैं एक्सप्लेन करूँ ज्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से, मुझे ज्यादा बाइनरी ट्री टू डीएलएल। अगर चैनल पे नहीं है तो क्या करना है, एक लाइक मार देना और लाइन सबको मानना है, बिना लाइक मार के नहीं जाने का। और कमेंट जरूर करना है कोई डाउट हो, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट हमारे चैनल पे ही मिलती है। करो ताकि लोग भी सीखे और आप भी सीख पाए। कॉपी कर लो यार इसको, कॉपी कर लेते हैं फटाक से इसको, तो कोड कर लेते हैं, ठीक है। समझेंगे यार, कोड करेंगे समझेंगे, साथ में समझते भी रहेंगे, थोड़ा ज्यादा जूम हो गया मेरे ख्याल से। यहाँ पे एक दो चीज डाल दिया मैंने, यहाँ पे दो चीज डालेंगे, डाल देते हैं भाई। इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे, इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे इसलिए इनिशियलाइज कर रहे हैं ताकि यार मैं उसको ऑल ओवर द फंक्शंस यूज करूं। प्रीवियस नाम का नंबर डाल देता हूं, नन, बाय डिफॉल्ट उसको नन करते हैं भाई। रूट चेक करेंगे यार, रूट का नल तो नहीं है भाई, रूट क्या, रूट नन तो नहीं है, नन बोलो नल बोलो, नल सी प्लस में होता है, यहाँ पे नन होता है। मैं रिटर्न यहाँ पे रिटर्न कर दो, ठीक है, रिटर्न रन कर दो। हेड नाम का एक फंक्शन बनाओ, इसको क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हमारा जो बी डी डी एल है यहाँ पे,
इन ऑर्डर फॉर्म में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, लेफ्ट में भाई, देखो रूट डॉट लेफ्ट, लेफ्ट होगा ना भाई, तो लेफ्ट में जाएंगे सबसे पहले। पता होगा यार बाइनरी ट्री में क्या होता है, दो बच्चे होते हैं, रूट के दो बच्चे होते हैं, लेफ्ट वाला एक बच्चा होता है और राइट वाला बच्चा होता है, कभी कभी दोनों नहीं होता। लीव नोड वो होते हैं जिसके बच्चे नहीं होते, आपको याद आ रहा होगा मैंने पिछले वाले वीडियोस में कवर किया है, नहीं देखा है तो वाले वीडियो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनरी ट्री क्या होता है, लीफ नोड क्या होता है, क्या क्या होता है वो चीजें, ठीक है, बहुत कुछ कवर किया है मॉरिस भाई, भाई भाई सब कुछ कवर किया है, तो वो वाले वीडियोस नहीं देखे हो, सबसे ज्यादा बाइनरी ट्री में किसी ने वीडियोस बनाया वो हम लोग ने बनाया, हमारे चैनल को जरूर चेकआउट करो, जब तक बनाओगे तब तक लाइव कर देंगे सारे वीडियोस और एंडलेस सीरीज होने वाली है, तो अभी भी चैनल पर रहे तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ पे चेक करो सेल्फ डॉट प्रीवियस, अगर नन है सेल्फ डॉट प्रीवियस, अगर नन है तो क्या करूंगा मैं, हेड को मैं रूट कर दूंगा, प्रीवियस नन है तो हेड कर दूंगा, इन ऑर्डर की तरफ मैं जा रहा हूँ, मैं अभी बताऊंगा कैसे क्या करना पड़ेगा, वरना वरना क्या होगा, अगर प्रीवियस नन नहीं है क्या करना पड़ेगा मुझे, प्रीवियस नन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देखो मुझे राइट वाले में देखो यार कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, देखो यार कनेक्शन बनाओ, जोड़ना पड़ेगा प्रीवियस को फिर नेक्स्ट को, लिटल अनलाइन के साथ करेंगे तो सेल्फ डॉट प्रीवियस है जो उसका राइट है तो मैं रूट कर दूंगा, प्रीवियस का राइट, जो रूट का लेफ्ट है वो उसको क्या कर दूंगा, रूट का लेफ्ट कहाँ पे जाएगा भाई, प्रीवियस में कहीं ना कहीं जाएगा तो मैं प्रीवियस में कर दूंगा, प्रीवियस जाएगा क्योंकि देखो ये अगर मैं यहाँ पे कुछ दिखाऊं आपको इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ पे ये बक्सा है, ये बक्सा ये रूट है तो इसके प्रीवियस में क्या होगा, इसका रूट का जो लेफ्ट होगा यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट वाला ये लेफ्ट ले रहे ना, यहाँ पे लेफ्ट दिया हुआ है यहाँ पे, उसका लेफ्ट क्या होगा, प्रीवियस 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 ही होगा, प्रीवियस होगा डाल देंगे। अब इतना हो गया, अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट प्रीवियस को आगे बढ़ाएंगे, आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा ना मुझे, मुझे पूरा था देखो सब बच्चों से मिलना है, लेफ्ट वाले से मिलना है, फिर रूट वाले को प्रिंट करना है, फिर मैं राइट वाले बच्चे के पास जाऊंगा तो उसके लिए मुझे प्रीवियस को आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ा दिया मैंने, मैंने बढ़ा दिया, अब मेरा काम खत्म हो गया, मैंने रिकर्शन को 150 रुपया दिया है काम करने के लिए, तो रिकर्शन काम करेगा, हम एक बार काम किया अब रिकर्शन जाएगा मेरे मेरे जगह, मैं थक गया मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया, अब मैं रिकर्शन को दिया 150 रुपया वो काम करेगा मेरा, मैं राइट वाले में जाऊंगा, राइट में गया रन हेड कर दिया, इतना हो गया। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, करके जाते हैं क्या चीजें क्या किया, ठीक है ना, इसको मैं एक काम करते हैं, इस वाले को फोटो कॉपी कर कहीं पर पेस्ट कर सकते हैं, मुझे मैं करने तो कर सकता हूँ उसमें, बट दिक्कत क्या है ना, दिक्कत बहुत है यार, यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं, देखो यार इसको कॉपी करके यहाँ पे इस तरह से कर दिया, पर दिक्कत क्या है ना, इसको मैं मूव नहीं कर सकता, ड्रॉ वाले को मैंने हटा दिया, अगर एलिमेंट्स में जाऊँ अगर, ठीक है एलिमेंट्स में गया मैं, इसको यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यार देख रहे हो विनोद यार क्या कर रहा हूँ मैं यार, सीरियसली मैं एलिमेंट में जाकर ड्रॉ में हटा के वो कर सकता हूँ, देखो अब इतना आपको दिख गया यार, ये करेंगे अब देखो कैनवा में सही चल रहा है, ड्रॉ वाला व्हाइट बोर्ड वाला ये से बड़ी बढ़िया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाला उठा लेता हूँ फिर से फटाक से कर देते हैं, ये वाला क्वेश्चन 10 20 30 40 60 10 20 30 40 60 10 20 30, मजा आ रहा है अब, मजा आ रहा है देखो अब, देख रहे हो विनोद अब मजा आ रहा है हमको, हमको तो मजा आ रहा है, तुमको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट करो यार, ये देखो यार ये देखने में इतना मजा आ रहा है, कलर चेंज कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं हमारा प्यारा रेड कलर, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, देखो यार कितना मजा आ रहा है हम लोगों को सीरियसली, देखो प्रीवियस इक्वल टू नन, अब क्या कर रहे हैं, रूट इज नन, क्या रूट नन है भाई, देखो रूट नन नहीं है तो मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा, लेफ्ट में गया यहाँ पे, फिर लेफ्ट में गया यहाँ पे, लेफ्ट में गया, अब ये नल हो गया, रूट इज नन, रूट इज नन, तो मैं रिटर्न नल रिटर्न करूंगा, तो रिटर्न नल कर दिया यहाँ से, मैं देखो यार नल रिटर्न कर दिया मैंने यहाँ पे, देख रहे हो विनोद मजा आ रहा है, हमको मजा आ रहा है सीरियसली, ओके तो अब हेड इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे नन हो गया, ठीक है अब वापस आ रहा हूँ मैं, वापस आ रहा हूँ, ठीक है अब सेव डॉट प्रीवियस नन है, हाँ मेरा प्रीवियस नन है तो मैं हेड को क्या कर दूंगा, अब मेरे पहले यहाँ पे देखो यहाँ पे कहीं लिख दू, हेड हो जाएगा हमारा, हेड हमारा रूट, रूट क्या है हमारा 40, सीरियसली अब मैं एल्स वाला भी हो गया मेरा ये, अब मैं क्या करूंगा, ये एल्स वाले में है, मैं अगर दिखा दूं आपको ये एल्स वाले में है, ओके अब देखो अब सेट डॉट प्रीवियस को, प्रीवियस भी तो होगा ना हमारा, प्रीवियस हो जाएगा ना वो रूट के बराबर हो जाएगा 40, अब इस तरह से मैं राइट में जाऊंगा, राइट में यहाँ पे गया, राइट भी नल आया, नल यहाँ पे आ गया हमारा, नल हो गया, ये नल भेज रहा है, ठीक है अब मैं फिर वापस यहाँ पे जाऊंगा 20 में वापस जा रहा हूँ, और ये इस तरह से होता रहेगा, देखो यार अब क्या है 20 आएगा 20, सीरियसली
रूट रूट यहाँ पे देखो, रूट इज नन, क्या रूट नन है मेरा, यहाँ वापस किया मैं, रूट नन है भाई, देखो रूट नन नहीं है मेरा, तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस को हेड को, हेड को रूट कर दो, क्या मेरा प्रीवियस नन है यहाँ पे, नहीं मेरा प्रीवियस नन नहीं है इस वाले केस में, तो एस वाले में आएगा सेल्फ डॉट प्रीवियस का राइट, प्रीवियस का राइट जो हो जाएगा हमारा, प्रीवियस का राइट, प्रीवियस के राइट में मैं अगर दूंगा रूट को डाल दूंगा यहाँ पे, इसका प्रीवियस को राइट जो था रूट हमारा 20 डाल दूंगा, और सेल्फ डॉट प्रीवियस में प्रीवियस को क्या बना दूंगा मैं 20 बना दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसा, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं अगर नेक्स्ट पेज में जाऊँ, ड्रॉ करते हैं, देखो ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ चल रहा है ना, सबसे पहले क्या है ना, मेरा आया 40 है, फिर आएगा हमारा 20 लेफ्ट राइट, और फिर अगला मेरे ख्याल से 60 आएगा, 60 आएगा, क्योंकि जब यहाँ पे होगा ना तो यहाँ पे मैं रिलेशन, यहाँ पे मेरा यहाँ पे 60 राइट वाले को ट्रैवर्स होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ क्या चल रहा था, सबसे पहले क्या आया था यहाँ पे, मैं अगर बताऊँ हेड यहाँ पे कहीं पे था और प्रीवियस यहाँ पे नल था, तो प्रीवियस आगे बढ़ के 40 आ गया था, फिर बाद में प्रीवियस देख लो ना, एक नया पेज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक मैं नया पेज कर सकता हूँ, मैं अगर नेक्स्ट पेज में दिखाऊं आपको ये सही रहेगा यार, मैं खुद कंफ्यूज हो गया यार, सिंपल है। यहाँ पे पहला अगर मैं बताऊं यहाँ पे, मैं एक यहाँ पे बक्सा बना देता हूँ, यहाँ पे एक बक्सा था, पहला यहाँ पे 40 था, 40 है, दूसरा अगर मैं बताऊं यहाँ पे शुरुआत से, यहाँ पे नल था, यहाँ पे नल रिटर्न हुआ था, तो हेड को क्या हो गया था मेरा, मेरा यहाँ पे हेड रूट हो गया था, हेड 40 हो गया था और प्रीवियस हमारा रूट हो गया था, तो प्रीवियस हमारा यहाँ पे कहीं हो गया था, हेड में पहले वैस में हेड और रूट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, हेड और रूट यहाँ पे पड़ा हुआ है और प्रीवियस भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, प्रीवियस भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या, जब वापस जा रहा था 20 में, इस बार हमारा प्रीवियस नन नहीं था, प्रीवियस नन नहीं था, तो मैं क्या कह रहा था, सेल्फ डॉट प्रीवियस डॉट राइट में रूट कर दिया और रूट के लेफ्ट को मैं प्रीवियस बना दिया, तो रूट के लेफ्ट को मैंने प्रीवियस बना दिया, इस बार प्रीवियस नन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस बार प्रीवियस जब नन नहीं है तो मैं सेल्फ डॉट प्रीवियस का राइट, प्रीवियस का जो राइट होगा ये राइट, यहाँ से मैंने एक रिलेशनशिप बना दी, इसमें इसमें रिलेशनशिप बना दी, और इसका जो रूट का, ओके अब रूट का लेफ्ट में प्रीवियस डाल दिया मैंने, यहाँ पे देखो रूट के लेफ्ट में डालना हो तो मैं इस वाले से रिलेशनशिप बना रहा हूँ यहाँ वापस, ठीक है, ये रिलेशनशिप बना रहा हूँ, ये वाला लाइन, पहला वाला लाइन मैं इससे यहाँ पे गया और यहाँ पे गया, अब हो गया इतना, अब तो सिल्वर डॉट सेल्फ डॉट प्रीवियस को मैं रूट कर दिया, तो अब मेरा प्रीवियस यहाँ पे आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, प्रीवियस मेरा यहाँ पे आ गया, अब मैं राइट में जाऊंगा, मैं देखो राइट में गया भाई, राइट में गया मैं यहाँ पे, राइट में तो कोई मिल गया मुझे, वापस आऊंगा नल आके, नल यहाँ पे जब यहाँ तक जाएगा इतना जाएगा फिर नल वापस आएगा, इस तरह से करते करते, ठीक है, यहाँ पे आऊंगा फिर यहाँ पे जाऊंगा, नल नल मिला वापस आया मैं, अब 60 में आ गया ना, नल लेके मैं 60 में आ गया, वापस आके 60 आ गया, अब हमारा देखो अब 60 प्रिंट होने वाला है यहाँ पे, मैं यहाँ पे 60 आएगा, इस तरह से मैं रिलेशनशिप बना दूंगा यहाँ पे, अगर क्या प्रीवियस नन है, मेरा प्रीवियस नन नहीं है तो हेड को रूट हो जाएगा, हेड भी तो अपडेट होगा, हेड को रूट हो जाएगा, हेड हमारा रूट हो जाएगा, सीधी कहाँ पे प्रीवियस नन है, प्रीवियस नन है, क्या मेरा प्रीवियस नन है, नहीं रूट हेड को रूट क्यों चेंज करेंगे यार, प्रीवियस नन नहीं है मेरा, यहाँ पे एल्स में आऊंगा तो सेल्फ डॉट प्रीवियस डॉट राइट है, समझ रहे हो, प्रीवियस का राइट, प्रीवियस का राइट यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे रिलेशनशिप बना दी भाई, मैं इससे चेंज कर सकता हूँ, एरो की से चेंज नहीं कर सकता, वाओ क्या भाई क्या क्या बनाया है तुमने, और रूट के लेफ्ट को अब यहाँ पे रूट के लेफ्ट को यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरह से कर दिया रिलेशनशिप पीछे, और फिर मैं सेल्फ डॉट प्रीवियस को मैं रूट कर दूंगा, तो प्रीवियस मेरा अब आगे बढ़ेगा, अब प्रीवियस मेरा यहाँ पे आ गया, भाई हिलाओ मत, तुम हिला रहे हो यार, सीरियस यार तुम ज्यादा ही हिल गए हैं, ज्यादा नहीं हिलने का, कम हिलने का, यहाँ पे इतना आ गया, अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर कैसे जाएगा भाई, ऊपर कैसे जाऊंगा, यहाँ पे इस तरह से ऊपर जाऊंगा, वापस आ गया, अब मैं वापस आऊंगा यहाँ पे 10, अब कहीं ना कहीं मेरा 10 आएगा, देखो 10 आ गया यहाँ पे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत छोटे छोटे करके, 10 यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, अब सेम चीज यहाँ पे भी होगी, क्या मेरा प्रीवियस नन है, क्या मेरा प्रीवियस नन है, ठीक है, क्या मेरा प्रीवियस नन है, नहीं है मेरा प्रीवियस, तो सेल्फ डॉट रूट के यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पे रिलेशनशिप बना यहाँ बना दिया जो कहा देख लो कैसे बनेगा, फिर यहाँ पे इस तरह से वापस यहाँ पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे जाऊंगा वापस आऊंगा जब यहाँ पे 30 प्रीवियस नन, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 30 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे रिलेशनशिप बना दो सेल्फ डॉट प्रीवियस और राइट को, प्रीवियस का जो राइट है प्रीवियस हमारा यहाँ पे कहीं आया था आगे बढ़ गया था, ठीक है, प्रीवियस को राइट को यहाँ पे बनाओ, फिर लेफ्ट को यहाँ पे डाल दो, रूट के लेफ्ट को प्रीवियस से बना दो, बस हो गया इतना, फिर रिटर्न हेड करना, हेड मेरा ये हेड है ना, हेड को
रिटर्न करना है, ठीक है, ये रिटर्न कर देंगे। साथ में मैं एक और चीज कर रहा हूँ यार, मैंने इस वाले में क्या डाला था, अगर मैं थोड़ा देखूं इस वाले में दो चीज बनाई है, ये बनाई है, देखो तो मैं उसमें भी डाल देता हूँ, सिंपल यहाँ पे ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, ये वाला डाल दूंगा मैं, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, फिर मैं सबमिट कर दूंगा। बाइनरी ट्री टू डीएलएल, बाइनरी टू डीएलएल, अरे यार अभी सबको चिल्लाना है, अभी पता नहीं क्या करना, ठीक है, बाइनरी बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कर ले। बाइनरी डीएलएल क्या होता है ना, डीएलएल वो होता है जिसमें मेरे पास प्रीवियस, नेक्स्ट और डेटा होता है, दो चीज होती है। ओके, यहाँ पे ये चीज है और कुछ नहीं, ये अपने आप हिल रहा है भाई, ये देखो हिलने में टाइम ले रहा है। और इन ऑर्डर में क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा लिख दूं, इन ऑर्डर होता है लेफ्ट, अपने हिलना यार, कब हिलना है ये भी चीज है यार, ये भी समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा मैं देख रहा हूँ इसको, और मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड कर देता हूँ, ऑल थ्री पेज करना है, ठीक है, और पीएनजी नहीं करना है यार, मेरे को कहीं ना कहीं पीडीएफ में चेंज करना है, ठीक है, फ्लैटन पीडीएफ, पैटर्न पीडीएफ क्या होता है, फ्लैटन पैटर्न नहीं करेंगे, फ्लैटन पैटर्न नहीं करने का, फ्लैटन पैटर्न नहीं करेंगे, साइज बढ़ जाएगा, आपको कम साइज में देना है, ये वाला हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, देख रहे हो विनोद, अब मजा आ रहा है भाई, देखो अब देखो यार, इतना मजा आ रहा है ना, ये वाला कैनवा में करेंगे, कैनवा ज्यादा अच्छा लगता है, पर्सनल प्रेफरेंस आपकी मर्जी, आप कुछ भी करो। इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो में जाना, बाइनरी को डीएलएल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, देख लो विनोद, सबमिट कर रहे नहीं है, चले जा रहे हैं, सबमिट कर देते हैं, आलसी हो गए हैं आपसे यार, सबमिट करने करे नहीं है, फिर पहले चले जा रहे हैं। और देखो एक चीज करेंगे, करते हैं बताता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सबमिट कर देते हैं, हो जा सबमिट, टेस्ट के सारे पास हो जा, हो गया, आपका क्या काम है भाई। देखो मैंने आपको मॉरिस भाई का एल्गोरिथम पढ़ाया है, मॉरिस भाई कौन थे, जिन्होंने OAuth 1 में हमारा काम कर रहे थे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। आपका काम करना है, आपको मॉरिस भाई के एल्गोरिथम का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोशिश करना है, करने हुआ और कमेंट करना है कि ये क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा मॉरिस भाई के साथ। अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, अगले वाले वीडियो में आपको बता दूंगा किस तरह से मॉरिस भाई के एल्गोरिथम से आप वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट में डाल दूंगा मॉरिस भाई किस तरह से करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, राइट एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा मॉरिस भाई का एल्गोरिथम वाला, जब तक वीडियो आएगा।